नर्मदे हर दोस्तों, 7:11 हो रहे हैं और सूर्योदय हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज है 19 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 50वां दिन। हाफ सेंचुरी जो है आज हो जाएगी दिनों की, मुझे चलते हुए परिक्रमा करते हुए। और इसमें जो ओमकारेश्वर में पहुंचा था वहाँ की जो ओमकार पर्वत की परिक्रमा की थी वो दिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो टोटल दिन जो बाद में परिक्रमा के होते हैं उसमें कुछ दिन और भी जोड़ने पड़ते हैं, आने जाने का वहाँ पे होते हैं जो आप और भी जो करते हैं रुकते हैं, एक दिन कम से कम पहले और बाद में रुकना पड़ेगा पूजा पाठ के लिए। तो मैं रुका था आज राजौर में और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है 12 से 13 किलोमीटर के आसपास नीमावर। तो मैं जाऊँगा नीमावर। नीमावर जो है वो स्थान है जहाँ जो कि नर्मदा मैया की नाभि स्थल बोला जाता है, यानी कि बीच में है, ये पवित्र स्थान भी है और एक तरह से तीर्थ स्थान आप बोल सकते हैं। तो ये तीर्थ स्थल है तो वहीं मतलब बीच में रुकूंगा कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन मेन जो टारगेट पहला वहाँ का है और वहाँ पर अगर वक्त लगेगा तो हो सकता है दोपहर का भोजन जो है वो वहीं किया जाए। और मैं निकला था 6:51 पर क्योंकि अब सज्जन के यहाँ रुके थे तो थोड़ा सा नहाने में विलम्ब हुआ और बाकी लोग भी थे और कुछ होते हैं कारण। बाकी आतिथ्य भाव अच्छा था उन लोगों का, भोजन कराया उन्होंने अच्छे से और सब ठीक था। अब आज सर्दी है वो कल से ज़्यादा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 12 डिग्री के आसपास तापमान दिखा रहा था और सुबह की वक्त ही सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। तो अभी जो है मैं काफ़ी बेबी स्टेप लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरी पैर की उंगलियाँ हैं वो जकड़ी हुई हैं एकदम से और ऐसा लगता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन शायद कम हो जाता है ज़्यादा ठंड की वजह से, तो उसकी वजह से वो पैर उतना काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो मैं धीरे 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 स्टेप ले रहा हूँ तो चलने से फिर भी फ्लो चलता रहता होगा ब्लड का। तो कुल मिला के सर्दी है और सर्दी अच्छी खासी है इधर। दिन में मौसम अच्छा हो जाता है, आपको थोड़ी सी गर्मी लग सकती है अगर आप परिक्रमा में हैं क्योंकि आप वजन टांग के चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बैठेंगे तो आपको हल्की सी ठंडक का एहसास होगा जो कि मैंने कल अनुभव किया था। तो यही है, आज एक और जानकारी ये दी कि इधर जो है वो सर्दी रहती है दिसंबर में ही, जनवरी से गर्मी सी थोड़ी सी आना शुरू हो जाएगी। गर्मी सी आना शुरू हो जाएगी माने सर्दी कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो बाबा इधर के ही थे, लेकिन उनने बताया था वो इधर का बताया था, लेकिन हम इधर से आगे जाएंगे जबलपुर अमरकंटक साइड तो उधर सर्दी पड़ेगी ऐसा मेरा अनुमान है। अधिकतर जो सर्दी पड़ती है उसका पीरियड होता है पूरी जनवरी में सर्दी होती है। तो ठीक है भाई, सर्दी का काम है पड़ना, सर्दी अपनी रफ्तार से पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे परिक्रमा करने का। और बस हाथों की उंगलियां भी बहुत जाम हो जाती हैं ठंड से, तो मोबाइल पकड़ने में काफ़ी समस्या आती है इस वक्त, ऐसे में ऐसा लगता है कि गिरना जाए। एक दो बार मोबाइल गिरा भी है मेरे से, बट चल रहा है अभी भी। तो ठीक है, अब वीडियो आगे बनाएंगे थोड़ी देर बाद। धूप देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी ही एकदम क्लियर स्काई है, आसमान है बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल जैसा कुछ नहीं है, तो जल्दी ही धूप में तेज़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसी जगह जहाँ पे कि धूप पूरे शरीर को लग रही हो, क्योंकि इधर झाड़ियाँ हैं तो इधर नहीं लगेंगी, और बैठने की जगह हुई तो मैं हो सकता है 5 से 10 मिनट धूप का आनंद लूँ फिर आगे बढ़ूँ। चलिए भाई, आज की परिक्रमा आपकी शुरू की जाती है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन धुआं उठ रहा है पानी में से। और इधर देखिए, ये आपको बूंदें नज़र आएंगी ओस की, तो ओस होती है
तो ये उसका पानी है और वो जो है वो ठंड के कारण पानी में से धुआं निकल रहा है। और ये जो है ये है बगदी नदी। तो बगदी नदी के कारण मुझे थोड़ा सा अभी लंबा आना पड़ा है। ये देखिए इधर ये ब्रिज से नदी को पार करने के लिए, क्योंकि नदी में पानी देखने में शायद कम लग रहा हो लेकिन पार करने के लिए काफ़ी है, तो उसे ऐसे क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो ये ब्रिज से क्रॉस करके जाना पड़ेगा और फिर से दाएं जाके मैया के किनारे पर रास्ता मिलेगा। तो अभी किनारे से आधा किलोमीटर या हो सकता है 1 किलोमीटर भी दूरी हो गई हो, जो कि इसके बाद में सीधा ये राइट जाके फिर से किनारे पर लग जाएगा। और आज प्रॉपर किनारे पे भी रास्ता होगा संभवतः, ऐसा मेरा अनुमान है। खेतों की जो दूरी थी वो भी दूरी आज शायद हट जानी चाहिए। मैप तो ऐसा दिखा रहा है भाई कि 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है नेमावर तक, अभी इसके बाद में आगे जाएंगे तो किनारा लग जाएगा, किनारे से ही रास्ता है। खैर जो भी है, चलिए देखते हैं, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। अभी धूप थोड़ी सी और तेज हो गई है, अच्छा लग रहा है देख के। तो ये रही मैया, और ये जो है बगदी संगम। तो बगदी जो नदी मिली थी जो हमने अभी क्रॉस की है पुल से, तो अभी इधर आके आपको वापस इधर जाना पड़ेगा, तो आप बगदी संगम जा सकते हैं। यहाँ पर एक आश्रम है, तो आश्रम में जो रुकते हैं तो यहाँ से जाती हैं, तो ये उल्टा पड़ता है लेकिन जाना पड़ता है। अभी उल्टा पड़ता है तो इसके लिए क्या है, लोगबाग कल मुझे बताया था कि लोगबाग उधर से रास्ता तो है लेकिन नदी पार करने की प्रॉब्लम आती है, तो नदी पार नहीं कर पाती हैं, उसके लिए एक लोहे का पैदल पार पुल बना रहे हैं, जिसमें कि कुछ सहयोग है सरकारी तंत्र से आया है, कुछ ग्रामीणों ने दिया है, कुछ कुछ लोगों ने, ऐसे करके एक लोहे का पैदल पार पुल बनाया जा रहा है, जिससे कि सीधा के सीधा जो है ये संगम के आश्रम तक और मंदिर तक पहुंचा जा सके। धर्मदेहर तो यही है। अभी तो चूँकि हमें रुकना नहीं है, सुबह का वक्त है, तो हम बढ़ रहे हैं आगे। समय हुआ 7:55 और धूप बीच बीच में पूरे शरीर पर पड़ रही है, तो उससे क्या है उंगलियां आप जो जकड़ी थी उनकी जकड़न काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो फ्रीली पैर जो है मूव हो रहा है, ये बोल सकते हैं आप। बस अब मैया का देखिए, मैया का किनारा जो है और मेरे बीच में ये एक छोटा सा खेत है। अब ये छोटा खेत फिर भी रहेगा शायद, कुछ उसका कर नहीं सकते हैं। ये देखिए कुछ नाव वगैरह भी चल रही हैं, शायद इधर से उधर ले जाती होंगी या जो भी करती हो। तो यही है, मैया के दर्शन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेरा अंदाज़ा ये है कि अब सारी जो दूरी है वो ऐसे ही चलेगी। हो सकता है ये एक खेत की छोटी सी जो दूरी है 10-20 फीट की, ये भी बीच बीच में ना हो, देखते हैं। आगे संभवतः ये भी नहीं रहेगी, ऐसा लगता है मुझे, कम से कम बीच बीच में तो नहीं रहेगी। तो ये है मंडलेश्वर, एक और मंडलेश्वर गांव है ये, महेश्वर के पास जो मंडलेश्वर आया था वो थोड़ी बड़ी जगह थी, वो अलग था, ये अलग है, लिखा हुआ था इधर मंडलेश्वर। तो ये रास्ते में शिव मंदिर है, तो यहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए रुक गया हूँ, 5-10 मिनट बैठ के फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये है बजबाड़ा गांव, और आज की पहली चाय यहाँ पर एक सज्जन ने लाई अभी पीछे, और तो मैंने चाय पी और 5 मिनट बैठा, तो टोटल मान लीजिए 10 मिनट का विश्राम किया और
अब आगे बढ़ रहा हूँ भाई नीमाबर की ओर। नीमाबर यहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर है, 5.5 दिखा रहा है मैप में एग्जैक्टली। तो मैं सोच रहा हूँ अब सीधा वहीं पहुँचा जाए। अभी वक्त हुआ है 9:05, तो 10:30 तक पहुँच जाना चाहिए। तो वहाँ पर सिद्धनाथ महादेव मंदिर है एक बताया गया है, शायद पुराना मंदिर है, तो वहाँ पर दर्शन करूँगा और फिर वहीं पर भोजन तक विश्राम किया जाएगा और कपड़े सुखाए जाएंगे। कुछ कपड़े तो कल शाम को डाल दिए थे धुल के, तो सूख ही गए हैं। कुछ जो सुबह वाले हैं टॉवल हो जाती है, तो वो सब जो गीला है, और कुर्ता भी रात में सूखा है पूरा नहीं, तो वो भी थोड़े से धूप खिला दी जाएगी उनको, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा आगे का रास्ता मालूम करके। क्योंकि नीमाबर के बाद में मुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि नीमाबर के बाद करीब 100-110 किलोमीटर के बाद होशंगाबाद आना है, लेकिन वो फिर एक बहुत दूर हो जाता है। तो अगले 20-30 किलोमीटर तक का रास्ता और जगह है वो मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि लिस्ट वगैरह जो होती हैं वो रिलीवेंट नहीं होती हैं कई बार। ठीक है, चलिए चलते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि भगवान शिव से जब नर्मदा जी उत्पन्न हुई थी, तो वो एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, एक छोटी कन्या के रूप में नहीं। और वो 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, और फिर उसके बाद में वो बड़ी हैं, तो उनकी उम्र, जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे अलग अलग देवियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है, छोटी कन्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन नर्मदा नदी का थोड़ा सा अलग है। तो नर्मदा नदी जो हैं वो 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न ही हुई हैं वो। तो ये मैंने देखा है, कई लोगों को परिक्रमा में भी नहीं पता है, तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो ये जानकारी शेयर कर दी जाए। बाकी मैं बजवाड़ा गांव से आगे निकल लिया हूँ, बजवाड़ा ही था, होपफुली मैं भूल जाता हूँ, और बस धीरे धीरे चल रहे हैं। चूँकि सुबह का टारगेट ज़्यादा नहीं है, नीमाबर में रुकना ही पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। हो सकता है मैं दोपहर में एक बार और स्नान कर लूँ, हो भी सकता है। मैया में बहुत दिन से मैया के जल से, वैसे तो मैया का जल ही आता है इधर सब जगह, लेकिन शाम को पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे और किनारे का रास्ता होगा नहीं होगा, घाट मिलेंगे आगे कैसे मिलेंगे वो मालूम करूँगा मैं, वो सबसे सोचा जाएगा। बाकी एक सज्जन ने कमेंट किया है डे 48 का जो वीडियो था कि रास्ता बहुत दिखाया है। देखिए नेचुरल जगह थी, प्राकृतिक जगह थी, जंगल था, तो आपको रास्ता तो बहुत दिखाया ही जाएगा, और उससे अच्छा क्या होता है। और फिर अगर उसमें आपको ज़्यादा लग रहा है तो डे 49 में तो अधिकतर रास्ता ही दिखाया है, मैंने थोड़ी सी बाद में बात की है, और वो तो सारे दिन का ही वीडियो 30 मिनट के आसपास ही है, बड़ा वीडियो ही नहीं है। तो है जैसा बनता है वैसा बनता है भाई। तो अच्छी तेज हवा चलने लगी है, नर्मदे हर अच्छी तेज़ हवा चलने लगी है, और देखिए दोपहर है, धूप तेज होती है तो लगता है कि हवा चले, और अभी जब ठंड है तो लग रहा है कि हवा क्यों चल रही है, तो ऐसा ही है। बट फिलहाल हवा चलने लगी है तो ठंड अपना एहसास और ज़्यादा करा रही है। अच्छा रास्ता है इधर, उधर देखिए मैया है सामने, और बस ये बीच में जैसे ये कुछ बना हुआ है आश्रम जैसा,
या किसी का घर है तो ये काफ़ी बड़ी जगह में बगीचा बगीचा लगा के बना के रखा हुआ है, और उसके उधर मैया है, मैया का लेकिन जल है वो नीचे है, तो यहाँ से आप सीधे हर जगह से नहीं जा सकते वहाँ तक, और यही कारण है कि थोड़ा सा ऊंचाई है, मैया नीचे बह रही है, इसलिए आराम से ये गाँव वगैरह बसे हुए हैं, क्योंकि एकदम तट पर तो समस्या आ जाती है पानी के, जल के भराव की, जब बारिश में जल का स्तर बढ़ जाएगा तो उसके कारण फिर गाँव होते हैं तो दूर होते हैं काफ़ी, तो इतने पास में अगर गांव है तो तभी हो सकता है जबकि उस जगह जो है थोड़ी सी ऊंची हो, तो इधर है जो ये जब भी गांव मिलती हैं ऐसे थोड़ी ऊंचाई पर होती हैं, तो बीच बीच में नीचे जाने का रास्ता होता है, वहां से आप मैया तक पहुंच सकते हैं, तो हर जगह वैसे यूजुअली देखा जाता है कि गांव में एक ना एक छोटा सा घाट बना होता है, और कहीं ना कहीं एक जगह से तो रास्ता होता ही है, अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो भी एक जगह से रास्ता होता है नीचे जाने का। और ये भी किसी ने जगह अपनी कर रखी होगी किसी उपयोग के लिए रखी होगी बाद में, या पता नहीं पीछे वालों की ही जगह है, क्योंकि बीच में पगडंडी जैसा रास्ता तो दिख रहा है, तो लोग क्या उधर से आते जाते होंगे, जो रहते होंगे घूमते होंगे या कुछ भी हो, छोटी जगह है लेकिन इम्पोर्टेंट जगह है ये, किनारे का जो भी जगह, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ बनाएगा वो सीधा नर्मदा मैया का व्यू मिलेगा उसे, तो इसलिए इस ज़मीन की कीमत काफ़ी है, ये ज़मीन जो है वो काफ़ी कीमती होगी, कितनी कीमती मुझे नहीं पता, बट मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ऐसी ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी कीमती हैं इधर कहीं भी नर्मदा किनारे। सुंदर रास्ता है, गर्मी अगर है दिन में अगर आप ऐसे रास्ते से निकलें छाँव में, पेड़ों की छाँव हो दोनों तरफ से, बास में मैया किनारा हो, तो हाँ क्या कहने, अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता ठंड है क्या है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण जो है वो अलग ही आनंद देता है। तो ये जो जगह है गांव, इसका नाम है नल गांव, ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, पीछे लिखा था तो नल गांव ही है ये। तो ये घर जो है, ये घर देखिए आप बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, बिल्कुल किनारे पर, तो मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए, ये देखिए मैया के दर्शन कीजिए, तो ये घर है और नीचे मैया बह रही हैं, और बिल्कुल पास से नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है सीढ़ियाँ जैसी, तो एक तरीके से बोल सकती हो आप कि ये घाट है छोटा सा, तो वहाँ जाके स्नान वगैरह कर सकते हैं लोग। और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही किनारे किनारे के घर वगैरह ये सब मिलेगा अभी नेमावर तक, नेमावर करीब 4-4.5 किलोमीटर है यहाँ से, और उसके बाद में थोड़ा सा रास्ता है वो थोड़ा दूर से जाएगा, बहुत दूर से नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर से, शायद 1 किलोमीटर हो, शायद हो सकता है 2 किलोमीटर हो या उससे कम हो, लेकिन एकदम किनारा नहीं मिलेगा, जैसे कि ये है, अभी तक हम इतने ही चल रहे थे लेकिन एक खेत की दूरी थी, कभी 2 खेत की दूरी थी, तो एकदम मैया के दर्शन साफ साफ नहीं हो पाते थे रास्ते से, उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ता था। लेकिन एक और कहानी ये भी है कि बरसात में बोल रहा था एक लड़का था कि मैया का पानी इधर तक आ जाता है ऊपर तक तो इधर ये तो हो सकता है थोड़ा ऊंचाई पर हो, पिछला गांव था वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर था तो उधर नहीं आता होगा, ये छोटी सी जगह है, इसके पीछे बजवाड़ा गांव था, इसके बाद में भी एक गाँव है तो वो गाँव आएगा।
अभी एक सज्जन ने रोक लिया तो मैं रुक गया चाय के लिए। चाय तो नहीं पीना थी लेकिन कोई रोकता है तो मैं रुक जाता हूँ। और तभी ये बरवाहा वाले सज्जन जो थे उनका फ़ोन आ गया, तो उन्होंने किसी से नेमावर में बात की थी, कल भी उनने फ़ोन किया था कि जो सामान मुझे ज़रूरत थी वो मैं ले लूँ। तो उन्होंने किसी से बोला था लेकिन वो सोमवार है तो अपने टीचर थे शायद वो चले गए स्कूल, तो बोल रहे थे कि मैं बोले UPI कर देता हूँ आप वो ले लो। अब मैंने मना कर दिया कि भाई देखो, और भी जैसे पहले चेन्नई वाले सज्जन ने बोला था, ठीक है वो काफ़ी प्रयास किया था उनने कि वो ये दान करना चाहते हैं और पैसे दे देंगे, UPI कर दें मैं ले लूँ। तब भी मैंने यही बोला था कि देखिए मैं ऐसे चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे दान मिले तो वस्तु का ही मिले, और वो जो होता है ना भाई, तो ऐसा नहीं है। ये लोग भी देखिए मैया के भक्ति हैं और ये करना चाह रहे हैं, लेकिन बस एक बात है, देखिए मैया हमारी परीक्षा लेती है, कई बार लेती है फिर वो व्यवस्था करती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई मैया ही परीक्षा ले सकती है, हम भी मैया की परीक्षा ले सकते हैं कि ठीक है भाई हम अब अपने नियम पर ही चलेंगे, अब तुम नियम के हिसाब से हमें चलाओ और जो है हमारा ध्यान रखो, मुझे नहीं मतलब है बाकी चीज़ों से। वो भाई ये क्या है, देखिए वैसे भी कष्ट तो होते हैं थोड़े बहुत कष्ट तो होते हैं, और इतना कोई आसान रास्ता मैं ना कभी लिया है मैंने ना मैं लेना पसंद करता हूँ, शॉर्टकट्स अपनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। कष्ट है, शरीर को कष्ट होना ही चाहिए, मानसिक भी कष्ट होना ही चाहिए आपको, अगर आप इतनी कठिन परिक्रमा पर निकले हैं तो आप उनसे नहीं बच सकते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप नियम कोई बना के चलते हैं मानते हैं तो उन्हें मन से मानिए, पूरी तरह से मानिए। मेरा तो ये मानना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे, क्योंकि फोन पर लगा कि उन्हें काफ़ी बुरा लग गया, उन्होंने इतने प्रयास किए और फिर मैंने मना कर दिया इस तरह से दान लेने से, तो भाई अब क्षमा ही मांग सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा और अपने नियमों के हिसाब से ही चलूँगा मैं, फिर देखते हैं आगे। तो बस भाई यही है कहानी कि UPI डोनेशन दान जो है उसके लिए अभी भी ना है मेरा, मैं बस थोड़ी परिक्रमा का जो पर्पज है वो अच्छे से पूरा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। और क्या होता है आगे देखिए, आप भी देखेंगे मैं भी देखूँगा। आगे आगे पता चलेगा कैसे चलती है परिक्रमा। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपसे बहुत कुछ करा सकती है, तो एक भरोसा जो है वो अटूट भरोसा होना चाहिए, अगर भरोसा करते हैं तो एक अटूट भरोसा होना चाहिए। और ये केवल मैं परिक्रमा के लिए नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए है, मैं जीवन में बदलाव, मैं बार बार बात करता हूँ जीवन में बदलाव की, ठीक है परिक्रमा में जो आप सीख रहे हैं नई चीज़ें कुछ जाएंगे तो ये जो मैं है मैं उसकी लर्निंग्स जो है मैं अपने जीवन में लेके जाने वाला हूँ। तो ये अटूट भरोसा इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये केवल परिक्रमा तक की बात नहीं है, परिक्रमा के बाद में मेरे जीवन में बदलाव होने वाले हैं, जैसे मैं रहता था उसमें बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला। लोगों को लगा कि आए परिक्रमा की और चले गए सब वैसा के वैसा है, नहीं मैं उस पर्पज से किया ही नहीं है मैंने, तो मेरे जीवन में तो बदलाव होने वाले हैं और इसके लिए अगर आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं विश्वास है तो वो अटूट विश्वास होना चाहिए, नहीं तो आप उस पर टिक नहीं पाएंगे, एक झटका लगेगा और आप उससे गिर जाएंगे। अगर ऐसे छोटे से झटके से आप यहाँ पर डगमगा गए तो फिर आप जीवन में कब तक उस पर टिकेंगे, ये एक बात है। तो ये कारण है और अब चलती हैं नीमा पर।
अभी लगभग 3 किलोमीटर शायद लिखा था, तो 3 है 2.5 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, क्योंकि बीच में एक सज्जन ने और रुक लिया था, फिर रुक गए। पिछले 1 किलोमीटर में तीसरी बार रुका हूँ मैं। कोई रुकता है, आवाज़ देता है तो भाई रुकते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना रुकें। तो नेमावर बचा है 2 किलोमीटर, और संयोग देखिए, अगर आपको याद होगा कि जब मेरी चप्पल बह जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान था, और 4 दिन बाद एकाएक वो सज्जन चप्पल दे गए थे मालूम होने पर, वो भी पास के कस्बे से खरीद कर 10-12 किलोमीटर से, तो वहाँ पहुँचाने में, वो मंदिर में पहुँचाने में, और वो मंदिर नहीं, नर्मदे हर, और वो मंदिर अगर मैं नहीं पहुँचता तो वो घाट पर भी नहीं पहुँचता, और तो वो घाट पर पहुँचने के लिए जब मैंने रास्ता पूछा था, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि 8-10 साल की एक बालिका थी, और उसने मुझसे बोला कि यहाँ मत जाइए शालिग्राम में, आप आगे जाइए, वहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ पे भीड़ होती है। तो 8-10 साल अंदाज से बता देता हूँ मैं, ठीक है, 10-12 साल वही उसके आसपास का ही है। तो संयोग देखिए कि मैया का जन्म जो है वो 12 साल की उम्र में हुआ, 12 साल की बालिका के रूप में हुआ है, जब उम्र बोलते हैं तो बालिका के रूप में, और मुझे भी सहायता करने के लिए जितनी बार भी मिली है, जैसे अभी साइकिल से आपने अगर देखा होगा पहली जो बालिका निकली थी, ठीक है, इस एज के आसपास ही हमेशा जो है लोग मदद करते हैं। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि भाई 4-5-6 साल की बच्ची तो आपको रास्ते में नहीं मिलेगी ना मदद करने, तो वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हमारे धर्म में हम लोग अधिकतर छोटी बच्चियों को, बालिकाओं को देवी के रूप में देखते हैं, सभी को देवी के रूप में देखते हैं एक्चुअली, वो तो फिर कुछ लोगों की सोच होती है कि वो छोटे में के देखना चाहते हैं, कब देखना चाहते हैं, बट नर्मदा मैया का थोड़ा देखिए अलग है, वो 12 वर्ष की बालिका के रूप में उनने जन्म लिया है। और अभी भी कक्कड़कूट के जो जंगल थे, अगर मुझे नाम सही याद है, तो वहाँ पर भी चलते चलते कुछ पगडंडी आई थी, मैं थोड़ा सा भ्रमित था कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, और फिर करीब 4 किलोमीटर पहले सिरकिया गांव से, तो वहाँ पर भी मुझे एक ऐसे ही 10-12 साल की उम्र की ही बालिका मिली, एक नहीं 2 थी एक्चुअली, और वो बकरियाँ चरा रही थी उधर जंगल में, और उनने रास्ता दिखाया। तो देखिए भरोसा जो है, आप फिर भरोसे को कहीं भी जोड़ सकते हैं, संयोग होते हैं, संयोग में आप जो है डिवाइन हेल्प जो होता है, दैवीय शक्ति मदद, दैवीय मदद उसको जोड़ देते हैं, उसके रूप में देखने लगते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आपका भरोसा जो है वो अटूट होना चाहिए, भरोसा अटूट है तो आपको मदद मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि बालिकाओं ने ही मदद किया, रास्ता दिखाया, बहुत से दिखाया, सज्जन ने दिखाया, बहुत से वृद्ध बाबाओं ने दिखाया, माताओं ने दिखाया, सब ने दिखाया, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो ऐसा भी नहीं है। फिर उसमें से आप अपने संयोग के हिसाब से चीज़ें ढूंढ लेते हैं, वो भी एक चीज़ होती है। और ये इधर देखने से लगता है कि काफ़ी बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है, एक नहीं देखिए ये छोटे छोटे लग रहे हैं वो भी काफ़ी बड़े मंदिर हैं, और 8-10 मंदिर तो उस साइज़ के दिख रहे हैं। उसके पास में एक दाईं ओर काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये बाईं ओर तो और भी काफ़ी विशाल मंदिर है, अलग ही स्ट्रक्चर के साथ बन रहा है, आर्किटेक्चर से ही समझ में आ रहा है मंदिर ही है, मंदिर कंपाउंड में मंदिर ही बनेगा। तो ये कौन बनवा रहा है और क्या है, नाम तो अभी होगा नहीं, नाम तो बाद में ही रखा जाता है मंदिर का, जहाँ तक मुझे पता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अगर कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। विद्यासागर जी, विद्यासागर जी हैं, तो ये जैन मंदिर हैं, जैन मंदिरों का ये निर्माण हो रहा है इधर, और विद्यासागर जी के उसमें हो रहा है, काफ़ी बड़े संत थे विद्यासागर जी, और वे बता रहे हैं यहाँ पे जो बना रहे हैं, जो मतलब यहाँ पे काम करते हैं, बना नहीं रहे, कि काफ़ी वर्षों से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि लगभग लगभग अभी पूर्ण होने पर है। तो वो बोल रहे थे कि पूर्ण हो ही गया है एकाध मंदिर का तो, और
एक उस पर पताखा भी फहरी हुई है। अब शायद नहीं, तिरंगा झंडा लगा हुआ है ऊपर तो अभी तो। खैर जो भी है, तो ये जैन मंदिर हैं। देखिए भाई, मुझे रास्ते में मंदिर मिले तो मैंने बाहर से जो जानकारी मिली वो बता दी। और यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी अनुक्षेत्र हैं, कम से कम 3 अनुक्षेत्र का तो मैं वो भी बोर्ड भी देख चुका हूँ लगे हुए। तो सिद्धनाथ महादेव मंदिर की ओर से भी साए देखे आगे चल के, होटल गोली गौरी करके कुछ तो लिखा था, जो सामने ही दिखा रहा है मैप में। सामने मतलब सीधे जाके रोड के आगे से, तो मैं वहीं जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ थोड़ी देर विश्राम करूँगा, वहीं भोजन करूँगा और वहाँ से रास्ता मालूम करूँगा, यहाँ के बारे में मालूम करूँगा, यहाँ पे घाट जाऊँगा, यहाँ पे मंदिर में दर्शन करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। यह है सिद्धनाथ महादेव मंदिर, बहुत ही फाइन आर्किटेक्चर है, मैन जो मंदिर है उसका। तो ये थे सिद्धनाथ महादेव, ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर है मैया के किनारे पर। ये देखिए मैया का घाट बना हुआ है। तो मैं नीचे होते हुए, घाट पर होते हुए अब वापस जाऊंगा और थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, पत्थरों को काट दिया है मैया ने, जब बारिश में जो है प्रभाव होता है उनका, तो इनके कहीं ऊपर से जल निकलता है, पानी निकलता है और पत्थरों में कटाव आ जाता है,
चिकना चिकने जो पत्थर दिख रहे हैं आपको उसी कारण से हैं। और ये है मैया का नाभि स्थल बोला जाता है इसे, यानी कि उत्तर तट के बीचों बीच, उत्तर तट की जितनी लंबाई है उसके ठीक बीच में ये स्थान है ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है, इसीलिए मैया का नाभि स्थल बोलते हैं इसे। तो उत्तर तट की परिक्रमा जो है वो मेरी आधी पूरी हो गई है, और दक्षिण तट का जो है वो 200 से 250 किलोमीटर कम था, तो आधी करने के लिए मुझे 100 से 125 किलोमीटर और चलना होगा। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि चार से पाँच दिन चलने के ऊपर है। कैसे चलता हूँ मैं कि बाद मेरी परिक्रमा वो होगी आधी, तो आज मेरा 50वां दिन है, तो अगर मैं 4 दिन लेके चलूँ तो 54 दिन, तो मेरी 108 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाएगी। जैसे कि अगर बशर्ते कि मैं जैसे चल रहा हूँ उसी हिसाब से उतना मुझे चलना होगा, अगर मैं उतनी मेहनत करके उतना लगभग सारे दिन चलता रहूँगा तो 108 दिन में परिक्रमा पूरी होने की पूरी पूरी संभावना है, और जिसकी मैं पूरा प्रयास भी करूँगा। तो दोस्तों मैं निकल लिया हूँ नेमावर से, करीब 1 किलोमीटर चल भी लिया हूँ, और बस रास्ता पूछता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कोई सीधा रास्ता नहीं है, शायद ही सीधा हो, पता नहीं, तो उधर से निकलने में थोड़ा सा रास्ता पूछना पड़ा, और आगे भी पूछते हुए भी जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। किनारे से ये थोड़ी सी दूरी पर है, संभवतः 0.5 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर आपको इधर ये खेत के बाद और कुछ झाड़ियाँ दिखेंगी, तो उसके बाद में फिर पीछे एक मंदिर दिख रहा है बहुत बड़ा, तो जो मंदिर है उसके बीच में उसके पहले मैया है, तो वो जो है जगह वो मैया की जगह है। तो अब ये घूम के किनारे की साइड जाता दिख रहा है रास्ता मैप में, तो फिर वहाँ से एक नदी है, वो कैसे पार होना है पता नहीं है। तो आगे बताया है कि कोई आश्रम है तो वहाँ पे जानकारी मिलेगी, पीछे वाले सज्जन को उतना नहीं पता था, तो देखते हैं कहाँ आश्रम है, कौन जानकारी देने वाला है, पूछते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये गुरुकुल है कोई सा, जो कि कोई ट्रस्ट चलाता है, यहाँ पे 10 बच्चे तक पढ़ते हैं और निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, वो संस्कृत की और संस्कृत के कर्मकांड की, जो अपनी हिंदू पद्धति के जो कर्मकांड होते हैं उनकी। तो अभी 10 बच्चे हैं यहाँ पर, तो बोल रहे थे कि 10 ही बच्चे रखते हैं, उतनी ही सुविधा है यहाँ, और शायद कोई जब निकल जाता होगा तो कोई नया बच्चा आता होगा। तो ये गुरुकुल है, यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है और शायद रुकने की व्यवस्था भी है, ऐसा लिखा था बाहर। तो रुकने की व्यवस्था के लिए तो जगह देख ही रहे हैं आप, रुकने का तो कुछ होता ही नहीं है, आराम से रुका जा सकता है कहीं भी, और भोजन व्यवस्था होती होगी। तो मैं यहाँ से इसलिए कि पीछे से बाई ओर मुड़ना था, लेकिन शायद आश्रम की वजह से उन्होंने बोर्ड लगा रखा था यहाँ का, फिर यहाँ से पगडंडी सी है जो कि इसी रोड पर मैं ला देगी, तो बाएं मुड़ के थोड़ा और दूर से जाके शायद कोई एक नदी है, ब्रिज होगा, उसे पार करना है, इसके लिए वो रास्ता है। तो अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। तो ये है वो नदी जिसे पार करने के लिए ये थोड़ा घूम के आना पड़ा है, तो ये कच्चा पुल बना हुआ है, इसके ऊपर से जाना है, तो आगे हो सकता है रास्ता थोड़ा दाएं फिर से जाए। पानी तो काफ़ी साफ सा लग रहा है देखने में, और यहाँ पे गहराई इसलिए भरा हुआ है ज़्यादा, लेकिन जहाँ देखिए पत्थर है ऊपर ऊपर, वहाँ देख के लगता है कि आप ऐसे ही पार कर सकते हैं, तो हो सकता है पीछे से भी पार करने का रास्ता हो, बट समस्या ये है कि ऐसे पत्थरों से गाड़ी तो निकल नहीं सकती है, मोटरसाइकिल तो लोकल के लोग यूज करते नहीं होंगे, और जब ज़्यादा पानी होता होगा तो पैदल वाले निकल नहीं सकते, तो परिक्रमा मार्ग को मार्क कर दिया इधर से, तो फिर वही बना रहता है। तो कई बार ऐसे रास्ते होते हैं जो संभव हैं
दूरी कम करके सीधे जाना, लेकिन मार्क ना होने की वजह से थोड़ा लंबा घूम के जाना पड़ता है। तो ये कच्चा मार्ग ही मिलेगा, कच्चा मार्ग ही चल रहा है और मैया से थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1, 2, 3, 4 करीब 4 खेत का अंतर है, लेकिन मैया की बहाव जो है वो गहरी जगह पर है तो इसलिए वो आपको नज़र नहीं आएंगी यहाँ से, बस आपको पता रहेगा कि कहाँ है वो। देखना बड़ा आसान होता है क्योंकि उनका क्षेत्र जो है बहने का वो काफ़ी बड़ा होता है, तो दूसरी पार जो है, देखिए दूसरी पार जो पहाड़ी दिख रही है ऊंचाई वो, और इधर से जो है जो गैप दिखता है उसके बीच में मैया का बहाव है, उनका पात्र, पात्र बोलते हैं तो उनका पात्र है वो, तो इसलिए हमें पता होता है कि कितनी दूरी पर हैं वो। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, मे बी 200 मीटर संभवतः बस, और मैप में भी वही नज़र आता है। तो ये रास्ता जो है एक्चुअली ये वापस से किनारे की ओर जा रहा है। किसी गाने में एक शब्द बदलने से देखिए कैसे भाव बदलते हैं, कि ये गाना है, इसकी लाइन है, जिंदगी धूप, नहीं शुरू से नहीं है ये, तो क्या था वो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब इसमें केवल तुमको आप मैया से बदल दीजिए, फिर भाव देखिए, मैया को देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, मैया को देखा तो ये ख्याल आया। कि आप जैसे ही मैया को देखते हैं, मैया के जल को देखते हैं, तो बस यही आता है, यही विचार आता है कि भाई जिंदगी की इतनी उलझने, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन मैया जो है वो सबका समाधान है। तो जिंदगी रूपी जो धूप है उसके कारण जो तपन हो रही है, उसके लिए जो घने पेड़ की छांव की तरह शीतलता प्रदान करती हुई मैया है, हर समस्या की, हर समस्या के लिए समाधान जो है वो हमारी मैया है। तो ये है ग्राम तुरनाल, तुरनाल आ गया है और यहाँ से करीब 1.2 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है भगवान परशुराम का मंदिर। तो आइए भगवान परशुराम के दर्शन करते हैं और थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है भगवान परशुराम का मंदिर और देखिए बिल्कुल मैया के किनारे पे है, ये मैया का ही जल है और तो घूम के हम वापस किनारे पर आ गए। आइए दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे भाई। तो ये था भगवान परशुराम का मंदिर और ये शायद सामने आश्रम है, यहाँ पे मैं 5-10 मिनट विश्राम करूँगा फिर आगे बढ़ा जाएगा। और गांव से निकलते ही अब ये रास्ता किनारे का रास्ता हो गया है, किनारे का रास्ता मिल गया है। ये एक्चुअली कायदे से तो ये जो जल है इधर, ये भी मैया का ही जल है और ये निकलना नहीं चाहिए, बट रास्ता ही ऐसा बना दिया है इन्होंने, और ये बट कटा हुआ है ये, तो ये रास्ता इसलिए बनाया है क्योंकि ये रेत वगैरह का काम हो रहा है जिससे कि वाहन निकल सकें, पहले पगडंडी रही होगी शायद, जो भी है नर्मदे हर।
तो देखिए ये काम करने वालों ने अपने टेंट लगा रखे हैं और यहाँ पे छोटा सा होटल भी खुल गया है उसके लिए, तो बहुत बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। और तो चलिए भाई अपन तो आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे, कुछ कुछ गांव आएंगे, फिर एक गांव आएगा चिचली, फिर एक और कोंड शायद गांव बताया है, वहां पे रुका जा सकता है संभवतः 8 किलोमीटर के आसपास दूरी होनी चाहिए, बट पता नहीं है कितनी भी हो सकती है। तो ये करीब करीब पूरा एक गांव बसा दिया है इधर टेंट लगा लगा के, कम से कम शायद 150-200 टेंट होंगे। और मैंने पूछा तो बोले सब लोग काम करते हैं बजरी का, और कई टेंट में से नहला दहले की आवाज़ें भी आ रही थी, तो लोग होते होंगे फ्री। देखिए बजरी का काम हो रहा है काफ़ी सारा और हम जा रहे हैं आगे। और ये टेंट विलेज केवल इस ओर नहीं बसा है, ये टेंट विलेज उस ओर भी बसा है। तो ये टेम्परेरी ही होंगे क्योंकि बारिश में तो मैया सब कुछ अपने अंदर ले लेती होंगी, ये सब जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा डूब में आ जाता होगा यहाँ से ऊपर तक, इतना तो आता ही होगा। दैयत गांव का नाम है और दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है ये। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करूँगा 5 से 10 मिनट और फिर आगे बढ़ा जाएगा भाई। अरे बाबा, तो ये दैयत गांव में दक्षिणमुखी हनुमान जी में जहाँ मैं आया हूँ, तो ये उस वहाँ का छोटा सा एक आश्रम है और यहाँ पे ये गांव वाले सब लोग मिलके सेवा कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा फलहार कराया और बढ़िया स्वादिष्ट उसमें जीरा वीरा क्या क्या मिला के तो छाछ पिलाई। और अब जो है थोड़ी देर से मैं यहाँ से निकलूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो अभी जो पीछे गांव था दक्षिणमुखी हनुमान जी के पास, जो वहाँ पर लोग बैठे थे, तो उनसे मैंने बात की, तो मैंने पूछा कि ये जो रेत निकाल रहे हैं उस वो नदी के लिए कैसा है, मैया के लिए कैसा है। देखिए यहाँ पर भी आपको अगर नज़र आएगा पूरे टेंट लगे हुए हैं सामने और रेत निकाली जा रही है, तो वो सारे के सारे बोले नदी के लिए तो बुरा ही है। मैं कहा बुरा कैसी है, तो बोले कि होता क्या है कि ये गड्ढे हो जाते हैं, बोले बहुत गहरी गड्ढे हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जल स्तर जो है वो गड्ढों में भर जाता है पानी, तो बहाव तो रहता नहीं है। बोले जगह जगह देखिए जैसे आपको यहाँ से दिख रहे होंगे ना, तो बीच बीच में ये मिट्टी निकल आई, पत्थर निकल आए, तो बोले बहाव रुक जाता है, जो थोड़ा बहुत पानी आता है डैमों से वो गड्ढों में भर जाता है। और बोले दूसरा एक और चीज़ होती है, वो होती है बोले पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी रेत के कारण पानी साफ रहता था, लेकिन अब रेत चली जाती है तो नीचे से मिट्टी या पत्थर आ जाते हैं, तो बोले पानी साफ नहीं रहता है फिर, तो गंदा पानी हो जाता है। और बोले बारिश में जो है उसका फिर ये कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि अभी का पानी देखोगे और बारिश में देखोगे, बारिश में जब आता है तो क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है उसकी वजह से, और मिट्टी जो है वो आसपास की जो कमज़ोर हो जाती है। तो फिर मैंने पूछा, तो मैंने कहा फिर भी ये खुदाई ये बजरी निकालने का काम सरकार देती है, तो बोले हाँ, बोले नीलामी करते हैं, नीलामी होती है और उसके बाद में दी जाती है। बोले लेकिन अब सुनने में आया है कि सरकार जो है पंचायतों को शायद अधिकार दे रही है, तो बोले अगर पंचायतों को मिलेगा तो बोले हमारे लिए अच्छा रहेगा, गांव के लिए कम से कम पैसा तो आएगा गांव में, तो गांव में पैसा आएगा तो गांव की कुछ तरक्की होगी। तो ये उनका ओपिनियन था भाई, मैं तो ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई कमेंट करने लग जाए, जो सच्चाई है वो भाई आपको बता रहा हूँ। जो पर्यावरण वाले हैं तो उन्हें इस पर भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, नदियों को बचाओ,
कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल में होगी तो शायद उतनी खतरनाक नहीं हो, उतनी बेकार नहीं हो, या मैनेज की जा सके। लेकिन अनियंत्रित बहुत ज़्यादा होती है तो उसके प्रभाव की भी स्टडी होनी चाहिए और थोड़ा सा उसके हिसाब से देखा जाना चाहिए चीज़ों को। खैर जो भी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये पगडंडी का रास्ता है, बगल में मैया है नीचे, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो एकदम किनारे का रास्ता है ये, इससे ज़्यादा किनारे का हो नहीं सकता क्योंकि बजरी निकाल ली है तो साइड में भी पानी भरा है गड्ढों में, तो वहाँ पर तो रास्ता था, रास्ता यहाँ पर भी है, खुदाई हो रही है, ट्रैक्टर आते हैं और भर के ले जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि इधर है रास्ता पगडंडी, तो यहाँ से निकाल दिया, वहाँ नहीं था तो फिर नीचे से निकालना पड़ा था जहाँ खनन का काम हो रहा है। तो अब गांव आएगा आगे चिचली, चिचली के बाद आएगा शायद कोंडबा बताया था। तो मेरा अब टारगेट है, 4:14 हो गए हैं कि मैं अगर कोंडबा पहुंच पाऊं तो वहां पर फिर मैं विश्राम करूंगा, और अगर मैं रुकता नहीं हूं तो मुझे लगता है शायद मैं 5:30 तक पहुंच जाना चाहिए सूर्यास्त के वक्त तक। तो ठीक है, चलेगा, कभी कभी सूर्यास्त के वक्त तक भी चल लेते हैं। इस वक्त सूरज बिल्कुल पीछे होता है तो आपको मेरी परछाई जो है वो दिखेगी। पहले जो डंडा था देखिए उसकी हाइट काफ़ी ऊंची होती थी, मेरे सिर के बराबर आता था वो और ऊपर होता था शायद, और ये है जो कमर से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आपको परछाई में भी नज़र आता होगा डिफरेंस। मोटाई में नहीं आता होगा बट लंबाई का तो आता होगा अगर किसी ने ध्यान दिया है तो। और सडनली जो उधर रास्ता था, आपको लास्ट जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ से रास्ते को ठीक 90 डिग्री पर घुमा दिया गया है, एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया है, बोर्ड भी क्या चिपका दिया है वहाँ पे परिक्रमा मार्ग। अब आगे रास्ता भी था और देखिए वो घर भी दिख रहे हैं, तो वहाँ तक जाते ही हैं लोग, उसके पीछे भी जाते हैं, ये वाला गांव से आगे जाएगा, लेकिन अब लगा दिया तो अब क्या करोगे। और उसके बाद बाबा ने कुछ तो खोद रखा था पाइप के लिए अपना खेत के लिए, पर ठीक है वो तो वन टाइम होगा। तो और 90 डिग्री आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही चल लिया हूँ मैं, अब इसके बाद में ये 120 डिग्री हो गया है, मतलब 30 डिग्री और लेफ्ट हो गया है, तो एक तरह से मैं उल्टा जा रहा हूँ पीछे की ओर। और ऐसे 1-1.5 किलोमीटर ये चलवाएंगे, फिर राइट में वापस घुमाएंगे, फिर जो है 2-3 किलोमीटर चलवाएंगे, फिर वापस से उतना ही राइट में फिर से घुमाएंगे किनारे की ओर। ऐसे 3-4 किलोमीटर हर 4-5 किलोमीटर पर एक्स्ट्रा चलना पड़ जाता है कई बार। तो ये किनारे के रास्ते का ड्रॉबैक है, अभी नुकसान है क्योंकि किनारे के रास्ते लंबे बचे नहीं हैं अब। ठीक है फिर भी मैं किनारे के रास्ते ही जाना पसंद करूँगा जितना भी मिलता है, लेकिन अगर लोग कोशिश करें तो वो रास्ता थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। देखिए अभी इधर क्या है, इधर केवल खेत ही हैं, खेत खेत और खेत और कुछ भी नहीं है, और आपको ये घूम के पूरा यहाँ से ऐसे जाना है धीरे धीरे दाएं की ओर, आपको सामने एक गांव भी नज़र आएगा, गांव से और आगे निकलना है। तो खेतों की पगडंडियों से तो निकला ही जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे रास्ते बंद हो जाते हैं। चलिए फिलहाल तो जो है सो है, जहाँ से जाना है भाई वहाँ से जाओ, वहाँ से जाएंगे। तो दोस्तों ये चल रहा है चिचली गांव, एक्चुअली निकल चुका है करीब करीब, और मैं जा रहा हूँ करौंद की तरफ। 5:08 हो चुका है और अभी भी 3 किलोमीटर करीब बचा हुआ है, और उसका कारण ये है कि एक सज्जन ने रोक लिया काफ़ी जिद करके चाय के लिए, और फिर अब जिनने चाय बनवाई तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो 20 मिनट वहाँ पर लग गए, तो करीब 1.5 किलोमीटर में उसमें चल लेता, तो मैं जो सूर्यास्त के पहले पहुंच जाता वो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 2.7 किलोमीटर 2.7 किलोमीटर दिखा रहा था मैप में एग्जैक्टली, और मैं चूँकि फ्रेश हूँ और शाम का टाइम है, धूप तेज़ नहीं है,
और लास्ट लास्ट का है तो मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, अभी खींच ही रहा था मैं इसके पहले भी, तो फिर भी मुझे आधा घंटा लगभग लगेगा तो सूर्यास्त के आसपास ही मैं पहुँच पाऊँगा ऐसा अंदाज़ा है। चलिए देखते हैं। लेकिन तो ये देखिए सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ी देर है सूर्यास्त होने में और मुझे जहाँ जाना है वो अभी 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं लगभग लगभग पहुँच जाऊँगा, और लगभग लगभग नहीं तो मैं सूर्यास्त के कहीं पहले पहुँच जाता अगर 20 मिनट वहाँ नहीं रुका होता तो। लेकिन मैं जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई मुझे रुकता है तो मैं इसे मैया का आदेश ही समझता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए क्यों ना रुको। फिर उन्होंने थोड़ी चाय की जिद कर दी तो भाई 20 मिनट हो गए। खैर जो भी है अभी चलते हैं, पहुँचते हैं, तो लगभग सूर्यास्त के वक्त पहुँचूँगा मैं, 10 मिनट और लगना चाहिए मुझे, और फिर आज का रात्रि विश्राम यहीं होगा। अच्छा ये भी बड़ा छोटा सा गांव है, पीछे जो गांव था चिचली था शायद, और ये गांव इन दोनों का ग्राम पंचायत लगती, और आगे 1-2 किलोमीटर गांव है वहाँ पर, और वहाँ पर आश्रम भी पीछे बताया था कि अच्छा है, लेकिन और मैं चाहूँ तो देखिए अंधेरा होने के पहले वहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि अच्छा बुरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बेसिक सुविधाएँ चाहिए होती हैं भाई। तो हम यहीं रुकेंगे आज, ये करौंद में। नर्मदे हर बेटा। तो ये आश्रम का रास्ता है, ये गांव है करौंद, तो मैं पहुँच चुका हूँ, अंधेरा नहीं हुआ है अभी, अभी समय हो रहा है 5:39, तो मैं 1-2 मिनट में पहुँच जाऊँगा संभवतः, ऐसे ही कुछ 100-200 मीटर दिख रहा है। तो ये है करौंद का मंदिर, और ये इनके गुरुदेव ने बनवाया था, देखिए कितनी बढ़िया मूर्तियाँ लगा के रखी हुई हैं। तो इनके गुरुदेव का नाम क्या था? सुरेश सांडल्य। तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया है गांव वालों की मदद से बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा और अच्छा मंदिर है, और देखिए सारी अलग अलग देवियों की प्रतिमाएं भी लगा रखी हैं, ये दीवार पे अंदर का अंदर की ओर है ये, और ये देखिए काली माता सब हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको मुख्य मंदिर के दर्शन कराता हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि परिक्रमा पूरी नहीं कर सकता, परिक्रमा में हूँ। तो ये हैं गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव के गुरुदेव। और ये गुरुदेव हैं, ये गुरुदेव बड़े वाले, ये बड़े वाले, अच्छा पितृ पुरुष हैं। और ये देखिए नर्मदा मैया की सुंदर प्रतिमा, उनका मंदिर। जय मैया। और ये पचमुखी हनुमान मंदिर है, पचमुखी हनुमान जी, परिक्रमा के मार्ग में बहुत मंदिर मिलते हैं पचमुखी हनुमान जी के, कुछ खास लगाव है परिक्रमा मार्ग में लोगों का। तो ये है मंदिर, और मैं आपको अपने रुकने का स्थान भी दिखा देता हूँ, जैसा कि लोग बाग पूछते हैं। तो ये है हमारा आसन, यहाँ पर हम आज विश्राम करेंगे। और ये है भोजनशाला, इसमें कि भोजन बनता है परिक्रमावासियों के लिए, या कोई भंडारा या कोई भी कुछ भी करता है उसके लिए, तो काफ़ी बड़ा बड़ी जगह है, काफ़ी खुला एरिया भी है, तो एकदम मैया के किनारे है। ये देखिए ये मैया का जल प्रवाह हो रहा है, और जो बीच बीच में जो जगह दिख रही है उसका कारण मैंने आपको बताया ही है कि रेत का खनन जो होता है उसके कारण ये ऊपर नीचे हो गया है क्षेत्र। बाकी उधर एक हॉल है, उसमें भी परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था होती है। आज कुछ लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र के ग्रुप में हैं, तो
और अकेले में क्या है कि आराम से ध्यान बंधन संध्या बंधन भी आराम से हो जाता है, ध्यान भी आराम से लगा सकते हो आप। और इस तरह से मैया के सुंदर दृश्य के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।